और अब होता है वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार गाजियाबाद के दासना मंदिर में जारी है। दासना मंदिर में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वसीम रिजवी, ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले मंदिर के अंदर तमाम प्रक्रिया हुई, उसके बाद मंदिर के बाहर तमाम प्रक्रिया जो है उसको अंजाम देते हुए वसीम रिजवी आप देखिए किस तरह से शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए और लगातार यहाँ पर जिस तरह से प्रक्रिया आगे चल रही है, अब से लगभग आप ये मान के चलिए कुछ समय और लगेगा इस तमाम प्रक्रिया को होने के बाद, और उसके बाद पूरे तरीके से सनातन धर्म को अपना लेंगे वसीम रिजवी, नारायण सिंह त्यागी बनेंगे। जी हाँ, क्योंकि नाम भी परिवर्तित होगा। और ऐसे में आपको ये बता दें कि यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वसीम रिजवी, जिसमें रहते हुए भी कई सारी बातें लगातार सामने आई, लेकिन अब सनातन धर्म अपना रहे हैं वसीम रिजवी, ये बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब वसीम रिजवी ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की जी हिंदुस्तान से और हमारे सहयोगी रजनीश से, तो उन्होंने क्लियर कहा कि ये उनका अपना खुद का फैसला है। और किस तरीके से उन्होंने बताया कि जहाँ पर वो थे, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म अपनाया, अब इसके लिए काम करेंगे, ये तमाम बातें कही गई। और आपको ये बता दें कि हरबीर नारायण सिंह त्यागी बनेंगे वसीम रिजवी, और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, आखिरकार क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश जाएगा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में। वसीम रिजवी जिन्होंने कई सारे सवाल लगातार उठाए, कई सारी बातें उन्होंने ऐसे कही जिस धर्म में वे थे उस पर, जिससे कि कई सारे लोग उनके दुश्मन बन बैठे, और यहां तक कि उनके लिए उनकी हत्या तक की बात, खुद की हत्या तक की बात कही थी वसीम रिजवी ने कि मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। ऐसे में अब सनातन धर्म अपना लिया है वसीम रिजवी ने, वो प्रक्रिया लगातार चल रही है, और उन्होंने कहा कि ये मेरी घर वापसी। आपको ये बता दें कि यति नरसिंहानंद गिरि महाराज जो हैं वो सनातन धर्म जो अपनाने में मदद है वो, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, आप देखिए किस तरीके से सनातन धर्म को अपनाने की जो विधिवत प्रक्रिया है वो करते हुए वसीम रिजवी, और यहाँ पर एक एक तस्वीर सामने आ रही है, और कोशिश और कवायद हमारी यही। देखिए, हमारे सहयोगी रजनीश ने जब एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही थी कि किस तरीके से अपने मन के मुताबिक वो काम करे, सनातन धर्म कई आज़ादी देता है, ये बात भी उन्होंने कही थी। और देखना ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि अब उनका अगला कदम क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से जिस बोर्ड के वो अध्यक्ष रहे थे उसमें रहते हुए उन्होंने कई सारे सवाल उठाए थे। आप देखिए लगातार एक एक प्रक्रिया चल रही है, लगातार देखिए माता की चुन्नी किस तरीके से उन्होंने लगाई हुई है, और किस तरह से यहां पर जो वन बाय वन आप देखिए प्रोसेस, जैसा कि लगातार हमारे चूंकि रजनीश ने हमें बताया भी था कि मंदिर से जब निकलेंगे उसके बाद वहां पर जो शिवलिंग है उस पर पूजा अर्चना होगी, फिर उनको स्नान कराया जाएगा, फिर हवन होगा, उसके बाद जाकर ये पूरी प्रक्रिया होगी। मतलब कुछ वक्त और जरूर लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सनातन धर्म अपना रहे हैं वसीम रिजवी, उसी के तहत ये तमाम जो तस्वीर सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और अपने आप में काफ़ी खास, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और बड़े फैसले उनकी तरफ से लिए गए, और देखिए मदरसों तक को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए थे जब वो उस पद पर थे, उन्होंने कई गंभीर बातें कही थी जिसका विद्रोह भी हुआ था, जिसका विरोध भी देखने को मिला था। लेकिन अब जब सनातन धर्म अपना रहे हैं इसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा, हरबीर नारायण सिंह त्यागी बनेंगे वसीम रिजवी, देखिए बहुत बड़ा फैसला होता है। हालांकि हमारा देश भारत जो पूरी आज़ादी देता है किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी तरीके से अपने आप को चेंज करने की, हमारा भारत यह आजादी देता है, और देखिए उसी के तहत सनातन धर्म अपनाते हुए वसीम रिजवी, और रजनीश भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। रजनीश, जैसा कि आपने कहा था एक एक प्रक्रिया मंदिर के अंदर, फिर बाहर जो शिवलिंग थी उस पर पूजा अर्चना हुई, और उसके बाद अब भी यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, कितना और वक्त लगेगा रजनीश? देखिए इस समय विजुअल्स दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप विजुअल सामने साफ तौर पर देख सकते हैं कि वसीम रिजवी इस समय जहां पे हवन होना है वहां पर पहुंच चुके हैं। वसीम रिजवी ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, माता की चुन्नी उन्होंने पहनी हुई है, गले में माला उन्होंने डाली हुई है। अब जो है वो वसीम रिजवी यहां पर हवन की तैयारी यहां पर चल रही है, और अब हवन के लिए आप देख सकते हैं वसीम रिजवी जो है बैठ चुके हैं। हवन पूरा होने के बाद वसीम रिजवी का नया नाम क्या होगा, सनातन धर्म अपनाने के बाद उनका नया नाम क्या होगा, ये कुछ देर बाद पता चलेगा। करीब आधा सा एक घंटा आप मान के चल सकते हैं कि आधे से पौने घंटे तक यह हवन चलेगा, उसके बाद नामकरण होगा वसीम रिजवी का नया। जी बिल्कुल रजनीश, और नया नाम होगा और निश्चित तौर पर नई पहचान। और सवाल यह भी कि अब सनातन धर्म के लिए किस तरह के कदम उठाएंगे, क्योंकि जहां पर थे वो संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अब जहां पर आ रहे हैं जिम्मेदारी भी काफी हो जाएगी।
देखिए बिल्कुल अब जिम्मेदारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वसीम रिजवी ने जो है वो इस्लाम धर्म को छोड़कर अब जो है वो धर्मांतरण अपना कर रहे हैं, सनातन धर्म को वो अपना रहे हैं, तो अब जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि जिस तरीके से वसीम रिजवी लगातार वो कहते आ रहे थे, उन्होंने लगातार कई बातों का खुलासा किया था, हालांकि जो कई बातें उन्होंने कही थी कि क्या क्या चीजों का क्या होती है, किस तरीके से होती है, क्या क्या चीजों का खुलासा हुआ है, ये सब कहने के बाद जाहिर तौर पे बड़ा जो है विवाद भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं, फिलहाल तो वसीम रिजवी इस समय हवन पे बैठे हुए हैं और आपसे कुछ देर बाद करीब 10 से 15 मिनट में हवन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद तकरीबन आधा घंटा हवन में लगेगा, उसके बाद वसीम रिजवी का नया नामकरण हो जाएगा, यानी वसीम रिजवी का नाम वसीम रिजवी खत्म होने के बाद त्यागी जो है वो सरनेम होगा वसीम रिजवी का। ये एक्सक्लूसिव जो है सबसे पहले हम लोगों ने जी हिंदुस्तान ने बताई थी, ब्रेकिंग खबर थी, त्यागी समाज को ज्वाइन करने वाले हैं, इनका सरनेम त्यागी होगा, लेकिन त्यागी से पहले इनका नाम क्या होगा वो अब से कुछ देर बाद जो है वो बताया जाएगा। जी बिल्कुल, और पूरी कोशिश होगी रजनीश जी, जब ये तमाम चीजें होंगी तो जैसे जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव बातचीत की थी वो फिर बातचीत करें। लेकिन सवाल रजनीश, जैसे कि मैंने एक बार और भी पूछा था लेकिन किसी वजह से वो जवाब हो नहीं पाया, क्या लगता है रजनीश, जो आज तस्वीर आ रही है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, संदेश क्या जाएगा इसका, खास करके वहां पर जहां से ये आए हैं? देखिए सब यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन जितना मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ उसके मुताबिक यह है कि अब कितना जो महत्वपूर्ण हो जाता है जो मुझे सुनाई दिया उसमें, अब जो क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जो है वसीम रिजवी रह चुके हैं, और ऐसे में शिया वक्फ बोर्ड का एक पूर्व अध्यक्ष सनातन धर्म चुनता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज, और एक ब्रेकिंग खबर, एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं जी हिंदुस्तान के माध्यम से अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। वसीम रिजवी से जब हमारी बात हुई तो वसीम रिजवी ने कहा कि कई दूसरे प्रदेशों से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लगातार उनको मैसेज कर रहे हैं, लगातार उनसे टच में है कि वो भी सनातन धर्म जो है वो अपनाना चाहते हैं, मुस्लिम धर्म को छोड़ना चाहते हैं, वो लगातार कई लोगों के टच में भी हैं। लेकिन सबसे पहले उनका कहना था कि सबसे पहले मैं ये प्रक्रिया पूरी करता हूं, उसके बाद जो भी आना चाहेगा वो आ सकता है। हालांकि अपने परिवार के बारे में मैंने इनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि वसीम रिजवी साहब आपका परिवार भी है क्या, आपके परिवार को इस बारे में जानकारी है, तो उन्होंने कहा मेरे परिवार को भी इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अब जी हिंदुस्तान पर तरीके से मैंने ये बात की है उसके बाद मेरे परिवार को यहां पे पता चल गया को, और अब अगर मेरा परिवार भी सनातन धर्म में आता है तो उनका स्वागत है, जो लोग सनातन धर्म स्वीकार नहीं करेंगे मेरे परिवार के उनके लिए खुला रास्ता है, वो जा सकते हैं बाहर, लेकिन मैं सनातन धर्मी हो चुका हूं और अब मेरे परिवार में मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है और मेरी मदर है, मदर के लिए उन्होंने कहा कि मदर चाहे तो वो अपना धर्मांतरण कर सकती है या नहीं कर सकती वो उनके साथ है, लेकिन अगर उनकी वाइफ और 3 बच्चे धर्मांतरण नहीं करते हैं या सनातन धर्म को कबूल नहीं करते तो वो उनको देंगे। जी बिल्कुल, बड़ा फैसला होगा निश्चित तौर पर। और देखिए रजनीश, एक बात जो जी हिंदुस्तान के माध्यम से उन्होंने ये भी कही कि ये उनका बिल्कुल अपना फैसला है, हालांकि रजनीश देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में इस फैसले का असर कितना होता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई जहां पर वो थे वो संतुष्ट नहीं थे, उन्हें बहुत कुछ और करना है जो यहीं पर आकर वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वसीम रिजवी ने जिस तरीके से एक्सक्लूसिव बात करते हुए जी हिंदुस्तान से बहुत खुलकर उन्होंने बात की और बहुत ऐसे सवालों का जवाब दिए जो साधारणतः कई लोग नहीं देते हैं, गोलमोल कर जाते हैं। वसीम रिजवी का यह कहना है कि वो कई ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो यहां पर ही उनको आजादी मिलती है, इस्लाम धर्म के रहने के बाद आजादी नहीं मिलती, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी किताब के जरिए कई जो है वो कुप्रथाओं के बारे में जिक्र किया था और कई ऐसी बातों के बारे में जिक्र किया था जिसके चलते उन्हें इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया था, अब वो किसी भी धर्म को चुनते हैं तो उनको उनके पास कोई बंदिश नहीं है, और अगर कोई भी उनके संपर्क में आके वो सनातन धर्म में आना चाहता है तो वो उनका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैंने सवाल ये भी वसीम रिजवी से पूछा था कि क्या इसको राजनीति, क्योंकि 102 महीने में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है, क्या राजनीति जो है जोड़कर देखा जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, राजनीति से जोड़कर इसे बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए, ये मेरा अपना निजी फैसला है, क्योंकि सनातन धर्म में वो कई ऐसी चीजें कई ऐसे काम करना चाहते हैं जो सनातन धर्म में रहकर कर सकते हैं, जो उनके जो इस्लाम धर्म उसमें रहकर नहीं कर सकते, इसीलिए ये उनका निजी फैसला है, इसीलिए उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर जो सनातन धर्म को कबूल किया है। जी बिल्कुल। अच्छा एक बात रजनीश देवी, जैसा कि ये कह रहे थे, आप बता रहे थे कि इनसे कई लोग और भी संपर्क में हैं, पहले इन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म अपनाऊंगा और उसके बाद फिर बाकी वो और भी देखेंगे, क्या लगता है आपको कि सनातन धर्म में आने के बाद जैसा कि जो प्रक्रिया चल रही है उसके बाद क्या प्रायोरिटीज होगी जिनको ये करेंगे, जो आपने बातचीत की होगी उस माध्यम से ये भी पता चला होगा आपको?
आप अपना एक बार सवाल दोहराएं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, सवाल समझ सवाल ये है कि आपने जब बातचीत की वसीम रिजवी से, क्या उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज खुद बताई कि वो सनातन धर्म में आने के बाद ये काम है जिसको वो अंजाम देंगे करेंगे? देखिए, अभी वसीम रिजवी ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को जिस तरीके से बाबरी मस्जिद वाला जो पूरा मामला हुआ था, 6 दिसंबर का वक्त उन्होंने चुना था। अभी फिलहाल वो सनातन धर्म जो है वो कबूल कर रहे हैं। आगे उनकी रणनीति क्या रहेगी वो आगे डिसाइड की जाएगी कि आगे क्या किया जाएगा। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि किसी पार्टी विशेष के लिए आप प्रचार करेंगे, किसी पार्टी से जुड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इस बारे में कुछ खुलासा नहीं कर सकता, ना ही कुछ कह सकता हूं। सिर्फ अभी आज का दिन सनातन धर्म कबूल करने का है, मेरा नया नामकरण होगा, उसके बाद मैं आगे के फैसले लूंगा। जी रजनीश, हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव आपके माध्यम से, किस तरीके से यहां पर हवन होता हुआ और लगातार प्रक्रिया चल रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्या लग रहा है रजनीश, और कितना वक्त और लग सकता है इस हवन, और क्या ये हवन ही अंतिम होगा सनातन धर्म अपनाने की प्रक्रिया जो उसमें, या फिर इसके बाद भी कुछ है? देखिए, अभी फिलहाल ये हवन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये आप हवन देख सकते हैं। वसीम रिजवी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और हवन चल रहा है। हवन के बाद ये आखिरी प्रक्रिया है सनातन धर्म कबूल करने की, क्योंकि पूजा हो चुकी है, भगवान शिव का जलाभिषेक हो चुका है और अब ये यहाँ पर जो हवन हो रहा है, ये हवन आखिरी प्रक्रिया है। इसके बाद जो है परंपरागत तरीके से वसीम रिजवी सनातन धर्मी हो जाएंगे और उसके बाद अब से कुछ देर के बाद उनका नया नामकरण हो जाएगा। तकरीबन आधे घंटे का वक्त आप मान सकते हैं कि आधे घंटे के अंदर ये सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल रजनीश मेरा ये था, जो महाराज इनको आज ये पूरी प्रक्रिया करवा रहे हैं, जो सनातन धर्म अपना रहे हैं, ये नरसिंह आनंद गिरी महाराज जी स्वीकार करवा रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया जो हो रही है, उनका क्या कुछ कहना था, क्योंकि उन्होंने आपसे भी काफी बातें कही, जो महत्वपूर्ण था वो क्या था उसमें? देखिए, महत्वपूर्ण बातें ये कही गई यति नरसिंहानंद की तरफ से कि उन्होंने वसीम रिजवी से कांटेक्ट नहीं किया था, वसीम रिजवी ने उनसे 10 से 15 दिन पहले कांटेक्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने बताया था कि वो सनातन धर्म को कबूल करना चाहते हैं। जब यति नरसिंहानंद ने पूछा कि आप क्यों कबूल करना चाहते हैं, तो उन्होंने तमाम वो बातें कही जो बातें जी हिंदुस्तान को वसीम रिजवी ने एक्सक्लूसिव बताई थी, वही बातें नरसिंहानंद को जो है वसीम रिजवी ने बताई थी। और उसके बाद वसीम रिजवी से मिलने के लिए जो सनातन ये यति नरसिंहानंद है, ये वसीम रिजवी से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद तमाम जो बातें तय की गई और आज का वक्त चुना गया ताकि वसीम रिजवी को सनातन धर्म जो है वो अपनवाया जा सके। हालांकि यति नरसिंहानंद का यह भी कहना है कि लगातार जिस तरीके से जो इस्लाम धर्म के बारे में कई उन्होंने बातें कही, जो अभी मेरा यहां पे कहना जो उचित नहीं होगा, कई ऐसी बातें कही थी जो काफी जो है वो सवाल या निशान खड़ा करती है। हालांकि खुद वसीम रिजवी ने कई ऐसे खुलासे किए थे जो इस्लाम धर्म की कुरीतियों के बारे में बताया था, कि वसीम रिजवी ने बताया कि किस तरीके से वहां पे क्या चीजें होती है, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए थे वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद जी ने। जी बिल्कुल रजनीश। और देखिए, वसीम रिजवी का अगर हम पूरा इतिहास उठाकर देखें रजनीश, तो कहीं ना कहीं वो अक्सर अपनी बातों के जरिए सवालों के घेरे में रहे हैं। जहां पर रहे थे वो, जिस धर्म को वो अपना, जिस धर्म में थे उस पर भी कई सारे सवाल उठाए, इसलिए विरोध उनका हमेशा होता रहा है। तो क्या लगता है आपको कि अब जब इस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया, तो उनका विरोध फिर होना निश्चित है और भी कई महत्वपूर्ण बातें सामने आएंगी? देखिए बिल्कुल, वसीम रिजवी ने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने अपने किताब के जरिए किस तरीके से इस्लाम धर्म के बारे में बताया और उसी को लेके इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने जो वसीम रिजवी को इस्लाम धर्म से बाहर निकाल दिया। और यही कारण था कि वसीम रिजवी जो है वो लगातार ये कहते आ रहे थे कि उन्होंने जो किताब लिखी थी वो अपने मन से नहीं लिखी थी, बल्कि जो कुरान की जो तमाम आयतें हैं उन्हें देखते हुए लिखी थी और तमाम जो किताबें हैं उन्हें देखते हुए जो अपनी किताब में लिखा था। और यही कारण, यही फल उन्हें भोगना पड़ा कि उन्हें इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया। फिलहाल यति नरसिंहानंद की अगर बात की जाए, तो यति नरसिंहानंद तमाम ऐसी बातें लगातार कहते आए हैं जिसके चलते विवाद जो है वो उत्पन्न होना तय है और जो है कई FIR भी यति नरसिंहानंद के ऊपर हो चुके हैं। लेकिन यति नरसिंहानंद का यह कहना है कि चाहे कुछ भी हो वो सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे और जो हिंदू जो है समाज है उसको लगातार वो आगे ले जाते रहेंगे। एक बात मैं और आपको बताऊं कि वसीम रिजवी की अगर बात की जाए, तो जैसे ही वसीम रिजवी ने अपनी किताब लिखी, तो वसीम रिजवी का यह कहना है कि उनका सर कलम करने के लिए कई
कई करोड़ों रुपए का इनाम रख दिया गया। और आज जब सनातन धर्म वो कबूल कर रहे हैं, मेरे पीछे मैं एक बार फिर कहूंगा, वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, आप देखिए सनातन धर्म जब आज वो कबूल कर रहे हैं, तो आज के बाद इस जो वसीम रिजवी का सर कलम करने के लिए इस जो इनाम में और इजाफा हो सकता है, ये तमाम बातें जो है वसीम रिजवी की तरफ से कही गई है। बिल्कुल रजनीश, आप लगातार बने रहिए, एक एक तस्वीर हम लगातार हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन ये भी बता दें कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर हिंदू धर्माचार्यों ने कहा है वो भी सुना देते हैं। क्या करना है? तो देखिए, हम सिया धर्म गुरु वसीम रजवी साहब ने जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म स्वीकार किया है, जिस प्रकार से अभी मुझे चैनलों के माध्यम से पता चला है, अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा, उनका हिंदू सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और तमाम पहले से जो भी राष्ट्र की रक्षा, धर्म रक्षा के कार्य करते रहे हैं, पहले से जो राष्ट्र सेवा करते रहे हैं, हमें पूरा आशा है कि उससे और भी गति से कार्य करेंगे और हिंदू सनातन धर्म की गौरव गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे। कोई भी कट्टरपंथी संस्थान जो बार बार बेवजह वसीम रजवी साहब पे फतवा जारी किया करती थी, अब वो फतवा जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। वसीम रजवी साहब अब हिंदू सनातन धर्मी हैं और उन पे कोई भी फतवा जारी करने की दुस्साहस न करें और न किसी भी प्रकार की बेवजह टिप्पणी करने का प्रयास करें। वसीम रजवी साहब के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा पूरी तरह साथ खड़ी है, संत महासभा पूरी तरह साथ खड़ी है। देखिए, वसीम रिजवी के साथ पूरा संत महासभा जो है वो पूरी तरह से खड़ी है। और आपको ये बता दें कि जब ये तमाम बातें कही जा रही है, इसके मायने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तस्वीर लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं शुरुआत से, देखिए तस्वीर हम आपको शुरुआत की भी दिखा रहे हैं और तस्वीर हम आपको अभी की भी दिखा रहे हैं। जो ये पूरी प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, यज्ञ हो रहा है, सनातन धर्म अपनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और आप ये मान के चलिए कि अब कुछ वक्त और इस प्रक्रिया के बाद पूरी तरह से सनातन धर्म को अपना चुके होंगे वसीम रिजवी जी। हाँ, जिनका नया नाम भी सामने आएगा, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, हिंदुस्तान ने एक्सक्लूसिव बताया भी था, जानकारी भी दी थी कि उनका नया नाम क्या होगा। और वही खबर सामने आ रही है कि अब हरबीर नारायण सिंह त्यागी बनेंगे वसीम रिजवी, जिसका औपचारिक ऐलान भी होगा इस यज्ञ के बाद। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण यह तस्वीर है। और जिस तरीके से वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हुए हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा कदम ये माना जा रहा है। हालांकि वसीम रिजवी इस तरह की बातें उन्होंने जिस धर्म में वो थे पहले उसके लिए कहते रहे हैं, उसकी कट्टरता पर सवाल उठाते रहे, चाहे मदरसों की बात या फिर जो कुरान में जो लाइन से आयत उसकी बात करें, आप वसीम रिजवी ने सवाल उन पर भी उठाए हैं। ऐसे में अब बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उनका यह कदम। लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वसीम रिजवी ये पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं यज्ञ की, देखिए। और ये एक पूरी प्रक्रिया है, जब आप सनातन धर्म को अपनाते हैं उसके बाद किस तरह से मंदिर में पहले पूजा अर्चना हुई, उसके बाद फिर किस तरह से शिवलिंग पर जो दुग्धाभिषेक है वो कराया गया, उसके बाद वहाँ पर भी कुछ मंत्रोच्चार हुए, और अब देखिए पूरे विधि विधान के साथ। और ये यज्ञ की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी रजनीश भी लगातार वहीं पर मौजूद थे, जो ये बता रहे थे कि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, इसके बाद ही उनका जो नाम होगा वो नया नाम वो सामने आ जाएगा। अच्छा, देखिए जब वसीम रिजवी ने जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा कि अब उनके पास उनके साथ कई लोग कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उनको कई लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो सनातन धर्म अपना लें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पहले मैं अपनाऊँ और उसके बाद ही मैं इस पर, और लोग मेरे साथ अगर हैं तो उनको भी मैं लेकर आऊँगा। मतलब साफ है कि कई लोग और भी हैं जो ये चाह रहे हैं कि वो सनातन धर्म में आए। और साथ ही वसीम रिजवी ने ये भी कहा कि मेरे परिवार के लोग भी अगर आना चाहें तो उनका भी बहुत स्वागत है। तो देखिए अब बेहद महत्वपूर्ण होगा इनके अगले कदम को देखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और सवाल कई सारे हैं कि अब अगला कदम वसीम रिजवी का क्या होगा। स्वाहा।
तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार हम बता भी रहे हैं आपको कि किस तरह से ये यज्ञ में आप देखिए, आप ये मान के चलिए कि अब कुछ ही वक्त रह गया है, कुछ मिनट्स का वक्त रह गया है जब ये यज्ञ जो है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद पूरी तरीके से सनातन धर्म को अपना चुके होंगे वसीम रिजवी। लगातार जो एक एक आप समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप उन्होंने तमाम चीजें की हैं, उनको सनातन धर्म जो है वो अपनाया गया। स्वामी चक्रपाणि को भी आप सुन रहे थे कि किस तरह से उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी अब हमारे साथ हैं, वो सनातन के अंग है, वसीम रिजवी का स्वागत करते हैं। तो देखिए स्वामी चक्रपाणि महाराज की तरफ से उनका स्वागत भी कर दिया गया है। ऐसे में अब ये भी है देखना कि किस तरीके से वसीम रिजवी अब जो कह रहे थे कि उन्हें बहुत सारे काम करने हैं सनातन धर्म में आकर यहाँ पर, वो काम क्या होंगे, वो किस तरीके से अब तमाम काम को अंजाम देंगे, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और देखिए क्योंकि वसीम रिजवी जहाँ पर थे वहाँ पर से भी कई सारी बातें सामने लगातार उन्होंने लाई हैं, कई सारे सवाल उन पर उठते रहे हैं। ऐसे में अब वसीम रिजवी का ये कदम भी जो उठा है उस पर क्या सवाल उठाया जाएगा वो भी देखना महत्वपूर्ण। लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं सनातन धर्म अपनाने के लिए जो पूजा है वो लगातार जारी है। अब कुछ मिनट्स का और वक्त रह गया है जब ये प्रक्रिया पूरी होगी। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में हिंदू धर्म अपना रहे हैं वसीम रिजवी। हिंदुस्तान पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, यति नरसिंह आनंद गिरी महाराज ये पूरी प्रक्रिया जो है वो करवा रहे हैं, स्वीकार करवा रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि नया नाम हरबीर नारायण सिंह त्यागी होगा जो खबर सामने आ रही है, जैसा कि हिंदुस्तान ने आपको बताया भी। और आपको ये बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण यूपीसीए वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जहाँ पर उस पद पर रहते हुए भी कई सारे सवाल उस धर्म के लिए जहाँ पर वो थे उस पर उन्होंने उठाए, लेकिन अब क्योंकि सनातन धर्म अपना रहे हैं ऐसे में उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर कई बड़ी जिम्मेदारियाँ होंगी। तो देखना ये होगा कि उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करते हैं वसीम रिजवी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त रहा नहीं है जो ये पूरी प्रक्रिया होगी। क्योंकि आपने देखा मंदिर के अंदर से लेकर शिवलिंग के दुग्धाभिषेक तक तो लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। और एक एक तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी रजनीश भी ये कह रहे थे कि ये जो एक तरह से आप समझिए सनातन धर्म अपनाने के लिए जो आखिरी प्रक्रिया होती है वो हो रही है, जो ये हवन हो रहा है कहीं ना कहीं ये अंतिम प्रक्रिया होगी, इसके बाद सनातन धर्म अपनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और वसीम रिजवी का नया नाम भी फिर सामने आ जाएगा, जो कि लगातार हिंदुस्तान आपको बता भी रहा है। और जिस तरीके से वसीम रिजवी ने ये बड़ा कदम उठाया है उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं। हालांकि हिंदू जो धर्माचार्य हैं उनकी तरफ से जरूर उनका स्वागत किया गया है और वसीम रिजवी ने खुद ये कहा कि उनकी घर वापसी हो रही है। ऐसे में अब नजरें लगातार इस पर भी होंगी कि जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद क्या कुछ कहेंगे वसीम रिजवी, क्या उनकी तरफ से कहा जाएगा, ये सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब ये पूरी प्रक्रिया इनकी तरफ से हो जाएगी उसके बाद जिस तरह से तस्वीर सामने आएगी और जिस तरह से वसीम रिजवी ने ये कहा कि उनकी तरफ से जिम्मेदारियां उन पर बहुत ज़्यादा होंगी, वो जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, उस जिम्मेदारियों को वो कैसे पूरी करेंगे, ये देखना भी इंपॉर्टेंट है, ये देखना भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे सहयोगी रजनीश भी ये लगातार बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, हम आपको दिखा रहे हैं पहले वसीम रिजवी जी हाँ और अब हरबीर नारायण त्यागी जी हाँ। ये अपने आप में निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है जो आपको देखनी चाहिए। पहले एक अलग जिम्मेदारी के साथ वसीम रिजवी थे, अब हरबीर नारायण त्यागी होंगे और देखना यह होगा कि जब इस भूमिका में सामने आएंगे तो किस तरीके से अपनी भूमिका को निभाते हैं, किस तरीके से अपनी भूमिका को वो दिखाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें वो सामने आएंगी जब ये पूरी प्रक्रिया होगी, क्योंकि देखिए पहले वसीम रिजवी रहे हैं, वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं और कहीं ना कहीं अध्यक्ष थे वो और पूर्व में, और वहां पर रहते हुए भी उन्होंने कई सवाल उठाए। लेकिन अब जब हरबीर नारायण त्यागी होंगे तो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे सनातन धर्म में आकर, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अंतिम प्रक्रिया एक तरह से आप ये समझिए चल रही है, क्योंकि ये वन बाय वन स्टेज बाय स्टेज प्रक्रिया होती है, जिसमें कि अब ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से हवन भी कराया जा रहा है और ये हवन अब कुछ और देर चलेगा जिसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें भी और बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। हमारे सहयोगी रजनीश भी हमें लगातार ये बता रहे थे कि, और रजनीश भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये प्रक्रिया पूरी चल रही है, कितना और वक्त इस पूरे प्रक्रिया को खत्म होने में? रजनीश, क्या आपको आवाज आ रही है?
तो देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और बता भी रहे हैं कि किस तरीके से ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वसीम रिजवी का ये जो सफर रहा है, आप ये समझ लीजिए हरबीर नारायण त्यागी बनने का, ये बेहद महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि सवालों के घेरे में पहले भी वसीम रिजवी रहे हैं। ऐसा नहीं रहा है कि अपने बयानों को लेकर और अपनी बातों को लेकर उन पर सवाल ना उठते हों, और यहां तक वो कहते हैं कि मुझे मारने तक की तैयारी, जान से मेरी हत्या तक की बात उन्होंने कही है कि कराने की कोशिश की गई है, कराने की बात सामने आई है। लेकिन अब जब ये बड़ा कदम उठाया गया उनकी तरफ से, तो देखना यह होगा कि किस तरह से बातें सामने आएंगी और किस तरह से अपनी जो जिम्मेदारी, उन्होंने कहा कि घर वापसी हुई है तो घर वापसी के तहत यह जिम्मेदारी निभाएंगे। जी हिंदुस्तान पर लगातार एक एक तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे वसीम रिजवी, जो अब नए नाम के साथ जाने जाएंगे, और आज ही उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया है। और उन्होंने कहा कि देखिए, इस्लाम से निकाला गया और इसीलिए मैंने सनातन धर्म को अपनाया है और अब मैं खुश हूँ, मेरी घर वापसी हुई है। ये बात कही गई है वसीम रिजवी की ओर से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एशिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, और इस वक्त हिंदुस्तान ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, हवन करते हुए नजर आ रहे हैं वसीम रिजवी, जो अब नए नाम से जाने जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये मेरी घर वापसी है, सनातन धर्म अपनाकर मैं बेहद खुश हूं। हिंदुस्तान लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि देखिए किस तरीके से यहां पर वसीम रिजवी अब अपने नए नाम के साथ जाने जाएंगे। उन्होंने गाजियाबाद के मंदिर में सबसे पहले आपने देखा कि शिवलिंग में कैसे रुद्राभिषेक किया, जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की भगवान शिव की, और उसके बाद सनातन धर्म को उन्होंने अपनाया है। अब जो वसीम रिजवी का नया नाम है वो भी आप सुन लीजिए। वसीम रिजवी का जो नया नाम होगा वो होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। तो इस नए नाम के साथ अब वसीम रिजवी जाने जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी हिंदुस्तान आपको लगातार दिखा रहा है। तो देखिए, इस्लाम छोड़कर सनातन धर्मी हुए हैं शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना की है। फिलहाल ये हवन आप देख रहे हैं, उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और हवन ग्रहण कर इन्होंने सनातन धर्म को अपनाया है। तमाम जो हिंदू धर्माचार्य हैं उन सभी ने वसीम रिजवी का स्वागत किया। देखिए, वसीम रिजवी अब तमाम कट्टरपंथियों के निशाने पर भी हैं, और लगातार वसीम रिजवी कहते रहे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे जान से मारने तक की कोशिश भी हुई।